इमेज प्लेसमेंट, ठीक है। एंड द लास्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट फीचर्स, फीचर्स, फीचर्स ऑफ व्हाट, ऑफ इमेज, और क्या? दीज आर दी थिंग, लेट्स मेंशन दीज एट दी एट बाय द हेडिंग्स ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर। ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर, ऑफ इमेज। तो ये हमने बनाने हैं बेटे। अब ये भी दो कैटेगरी में बन सकते हैं, लाइक वन इज फॉर कन्वेक्स लेंस एंड अदर इज फॉर कॉनकेव लेंस। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्टली कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, शाबाश, बहुत ही ध्यान से देखना बच्चे, पर्टिकुलरली वो बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे जिनकी पिछली क्लास मिस हो गई थी। देखो बेटे, जब भी टीचर ने आपको रे डायग्राम बनाना सिखाया तो टीचर ने आपको क्या सिखाया था? डेट को थोड़ा श्रिंक कर लेते हैं। तो टीचर ने आपको सिखाया था कि जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो लेंस में से गुजरने के बाद फोकस में से जाएगी, पहला पॉइंट। और दूसरा, जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी वो सीधी चले जाएगी। और तीसरा, जो फोकस में से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। फिर से एक बार बता दूं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बोल भी सकते हैं। देखो बेटे, टीचर ने बोला जो पैरेलल जाएगी रे ऑफ लाइट वो लेंस के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस में से। जो जाएगी ही फोकस में से वो लेंस के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के रिवर्स बातें हैं। जो ऑप्टिकल सेंटर में गिरेगी लेंस के वो बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई स्ट्रेट ही निकल जाएगी, नो बेंडिंग, स्ट्रेट। तो ये तीन रूल जिस बच्चे ने याद कर लिए वो कोई भी रे डायग्राम बना सकता है। इसको क्या बोलेंगे हम? रे डायग्राम रूल्स। सर ये क्यों कर रहे हैं हम? ये इसलिए कर रहे हैं बेटे क्योंकि हमें रे डायग्राम बनाने बनाने के बाद ये चार्ट बन जाएगा, और ये चार्ट जब बन जाएगा तो हमारे पास असाइनमेंट बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? तो सभी बच्चे ध्यान से देखना, अभी मैं शुरू करने लगा। सबसे पहले टीचर ने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, राइट, और बीच में बनाया ऑप्टिकल सेंटर ओ, और ऑप्टिकल सेंटर से ये बना दी है प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। और प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों तरफ बराबर की दूरी पर आपको बनाना होता है फोकस। तो देखो मैं माप के बना रहा हूं दोनों तरफ, ये बना दिया टीचर ने फोकस दोनों तरफ, ओके। और आपको पता है फोकस से डबल बनाना होता है फिर सी, सी, और इधर भी सी। अब देखो ध्यान से इन रूल्स को देखना, टीचर इनको फॉलो करेगा बेटे। टीचर ने यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया, देखो उसने रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी दूर बना दिया। यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यहां तक फोकल लेंथ होती है बेटे, ठीक है। सी तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ तक फोकल लेंथ, और टीचर ने रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी दूर रखा है ऑब्जेक्ट को। अब ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है? ऑब्जेक्ट से चली हुई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां से गुजरनी चाहिए बच्चे? कैन यू रिप्लाई? फोकस। सुना ही नहीं मेरे को, अच्छी तरह से बोलो, कहां से गुजर? फोकस, फोकस। शाबाश, शाबाश, सिर्फ आप लोगों में एनर्जी भरने के लिए मैंने ऐसा बोला, फोकस में से गई, करेक्ट।
और जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी वो मुड़ेगी क्या? ऑप्टिकल नो। जो ऑप्टिकल सेंटर में से लाइन जाएगी वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, ये मैं रेड कलर से दिखाई, ये देखो ठीक है। ये सीधी गई, और मेरा ख्याल है मेरे को ये जो व्हाइट लाइन है थोड़ी सी व्हाइट लाइन को हमें सेट करना पड़ेगा। देखो ये व्हाइट लाइन फोकस में से गुजरेगी, इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। फिर से सेट कर लेते हैं बेटे। देखो ये हमारी लाइन, ये हमारी लाइन थी और ये हमारा लेंस था, और व्हाइट लाइट फोकस में से गुजरती हुई ऐसे गई, और ये हमारा सी पॉइंट था, ये एफ था, ऑप्टिकल सेंटर से जो रेड लाइन आई थी वो ऐसे निकल गई, यहाँ पर कट हो गया, और ये देखो सी से इधर बन गया इमेज। तो आपने क्या देखा बच्चे? हमने ये देखा ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बना? बिटवीन एफ एंड सी, सी और एफ के बीच में बना। कब? जब हमारा ये देखो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को जानते हो क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बोलते हैं यू। ये सिंबल आपने याद रखना है, पूरी दुनिया में इसको ऐसे ही बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर। और इमेज के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वी। ओके, और सी तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सी तक के रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एफ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ओके, फोकस तक के। अब देखो एक चीज देखो, जब मेरा यू आर से भी बड़ा है, गौर से देखना, मेरा यू व्हाइट वाली लाइन देखो ये स्काई ब्लू वाली आर से भी बड़ा है, तो मैं लिखता हूं जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन आर से भी बड़ी हो, दूर हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऐसी हो कि यू इज ग्रेटर देन आर, तो इमेज कहां पर बना बेटे? इमेज बना एफ, देखो फोकल लेंथ से बाद में बना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के लेफ्ट पर बना, फोकस फोकल लेंथ के राइट पर बना। तो इमेज क्या वहां कहां पर बना हमारा? इमेज वी। वी जो है वो फोकल लेंथ से तो बड़ा होगा लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा होगा। ओके, दिख रहा है? और एक चीज, बिल्कुल ऑब्जेक्ट का मुंह ऊपर को है और इमेज का मुंह नीचे को है, तो इमेज क्या हो गया? इन्वर्टेड, उल्टा लटक गया। और क्या हुआ? अगर यहां पर कागज रखेंगे तो कागज के ऊपर इमेज आएगा, हम उसको टच भी कर सकते हैं, इसका मतलब रियल भी हुआ, ठीक है बेटे, रियल हुआ। और क्या बना? स्मॉलर साइज का बना, स्मॉलर बना ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इमेज के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट चीज। अब देखो हम इसके बाद एक और डायग्राम बनाएंगे जिसमें मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के सी के ऊपर रख दूंगा, सी के ऊपर, ठीक है। जिन बच्चों को ये नहीं समझ आया वो अगला देखेंगे तो आसानी से समझ आएगा, कोई एक भी समझ आ गया आप बाकी सारे कर लोगे खुद, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर दिया। फिर से देखो थोड़ा और बड़े साइज का बनाते हैं ताकि बच्चे को और क्लैरिटी से दिख सके। शाबाश, फिर से देखो बेटे, टीचर ने ये रूल्स को भी हम इरेज कर देते हैं, हमें थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए, रूल्स हमें याद हो ही गए हैं। लो बेट, अब देखो फिर से। सबसे पहले टीचर ने ये कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, फिर उसके अंदर ऑप्टिकल सेंटर लगा दिया, फिर उसके उस टीचर ने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। ऑप्टिकल सेंटर, कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस,
फिर टीचर ने दोनों तरफ बराबर से माप के एफ लगा दिया। आप जो मैं हाथ से कर रहा हूं चीज, आपने पेपर में इसको किससे करना है, स्केल से करना है, स्केल से। फिर यहां एफ है, उसका डबल करते हुए सी कर देना, और यहां तक एफ है उससे डबल करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर लगा देना, एस सी। अब देखो, मैं बिल्कुल सी के ऊपर रखूंगा ऑब्जेक्ट। सी के ऊपर रखने से इमेज भी सी के ऊपर ही आएगा, एग्जैक्टली सी के ऊपर आएगा, ध्यान से देखना आप। तो मैंने यहां पर ये रख दिया अपना ऑब्जेक्ट बिल्कुल सी के ऊपर। तो जब मैंने सी के ऊपर रख दिया, ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू। यू बोलते हैं कि नहीं बेटे? और सी तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो कोई बच्चा कह सकता है, सर इसका मतलब तो इस केस में ये दोनों बराबर हो गए। यस, यू इज इक्वल टू आर के बराबर हो गया इस बार। ठीक है, अब देखते हैं इमेज कहाँ बनता है। और वैसे एफ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते थे, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में से फोकल लेंथ। और आर जो होता है हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। लो, अब टीचर रे डायग्राम बना रहा है, ध्यान से देखना। टीचर ने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन निकाली, और टीचर ने सिखाया था जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो बाद में कहां से गुजरेगी, फोकस में से। शाबाश, तो फोकस ये पड़ा। तो यहां से बनाना बेटे बिना स्केल के थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ध्यान से देखो, एफ निकाल। और उसके बाद टीचर ने क्या बोला था कि जो लाइन कहां से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर में से, उसका क्या बनेगा, मुड़ेगी क्या ऑप्टिकल सेंटर में से, इट शुड गो स्ट्रेट। ये देखो, स्ट्रेट है ग्रीन लाइन। यस, तो यहां पर कट करा, और गौर से देखो जहां पर कट करा, अगर मैं वहां पर इमेज बनाऊं तो आप देखो कि ये जो इमेज टीचर ने बनाया रेड कलर में बिल्कुल सी के ऊपर आया। अभी तो मैं बिना स्केल के बना रहा हूं। और एक बच्चा कहता है, सर आपने एक तीसरा रूल भी बताया था, वो भी तो बताओ। अगर मैं उसको भी दिखाऊं थर्ड रूल को, तो आप देखोगे थर्ड रूल में मैंने एफ के थ्रू बोला था कि वो पैरलर हो जाएगी। लो, ये गई एफ के थ्रू लाइन, और यहां के बाहर इसने प्रिंसिपल एक्सिस से पैरलर जाना था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इस वाली लाइन को हम हटा देते हैं, फिर से बनाते हैं। तो हमारे पास ये देखो प्रिंसिपल, ओहो वेट ए मिनट, ये देखो बेटे हमारी रेज होगी थी, ये भी होगी थी। अब हमने प्रिंसिपल फोकस में से निकाल ली, ये देखो जहां से, फिर ये प्रिंसिपल फोकस में से निकल के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर जाती है, तो उसी पॉइंट से गुजरेगी जरूर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इमेज का डिस्टेंस रेड इमेज बना वी आता है, लेकिन सी तक के डिस्टेंस को हम बोलते क्या होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर और वी बराबर हो गए बिल्कुल, तो इमेज कहाँ बनेगा, आर पे ही बनेगा। और इमेज की नेचर क्या है बेटे, उल्टा तो है ही है, इन्वर्टेड। और क्या इसको टच कर सकते हैं हम कागज रख के, रियल। और क्या बनेगा, इक्वल साइज्ड, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही बनेगा। कोई भी बच्चा क्लास में ऐसा ना हो जो ये टेबल ना बना रहा हो साथ के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। टेबल, आर यू मेकिंग इट, नहीं तो जल्दी से बना लो। ये सर, देखो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू एंड वी? बेटे, यू का फुल फॉर्म कुछ नहीं है, इसको आपने सिर्फ इतना मीनिंग पूछो। मीनिंग आप बोलोगे गैप ऑफ, गैप मैंने डिस्टेंस, गैप ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम
ऑप्टिकल सेंटर ओ, वी का है गैप ऑफ इमेज फ्रॉम ओ। ओके, आर का क्या मतलब बताया टीचर ने, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी का क्या मतलब, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके बेटे, लिखते जाओ सारे सारे। और स्मॉल एफ का क्या मतलब बताया था बच्चे, फोकल लेंथ, राइट। अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर अगर इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से डिवाइड कर दें, इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के डिवाइड कर दें तो फिर क्या वो वन आएगा, तो मैं कहूंगा हाँ जी बेटे इस केस में तो वन ही आएगा। तो इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से डिवाइड करूंगा क्योंकि दोनों बराबर के साइज के हैं, इसके वन आएगा। और मैं बताना चाहूंगा इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो एक नई टर्म आती है स्मॉल एम, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट इमेज के मुकाबले कितना बड़ा था या छोटा था। तो आपने देखा इस तरह से ये चार्ट बनता है, और बाकी का चार्ट मैं खुद से बना रहा हूं, आपने बना लेना है फटाफट। सारे सिंबल्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। स्मॉल एफ का क्या, कैपिटल एफ का क्या मतलब था कोई बताएगा, प्रिंसिपल फोकस। ओके, अगर ओ को ब्रैकेट में डाल दें, ब्रैकेट में, तब तो ये ऑब्जेक्ट साइज होता है। आई को ब्रैकेट में डाल दें तो इमेज साइज। अकेला ओ लिखा हो तो ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। सब कुछ लेवलिंग कर दिया मैंने, देख लो। एफ का प्रॉपर नाम है प्रिंसिपल फोकस। ये फार्मूला कभी नहीं भूलना आपने, ये भी नहीं भूलना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। और अगर एक और याद कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा आपका, फोकल लेंथ का अगर रेसिप्रोकल कर दें, वन डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, तो उसको पावर ऑफ द लेंस बोलते हैं, पी से, पावर ऑफ द लेंस। ये पूरा लिख दिया मैंने, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारा कुछ आ गया इसमें। और एक देखते हैं अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा, एक्सक्यूज मी हाँ सर, जी बेटे, सर लेंस के इक्वी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लेंस इक्वी डिस्टेंट बस यही बोलते हैं। ये देखो मैंने, आप इसको कह सकते हो, और इसकी अगर, इन दोनों की अगर लैंग्वेज लिखनी हो, ये देखो जहां टीचर मार्कर घुमा रहा है, तो आप लैंग्वेज में क्या लिखोगे, दोनों आर के बराबर है ना, तो आप लोगोगे ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम लेंस, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा अब और देखो, यू को मैं आर से छोटा कर देता हूं, आर से छोटा करता हूं लेकिन एफ से अभी बड़ा रखता हूं, तब जो ये वी है ना, ये देखो वी बड़ा होता जाता है, बी बड़ा हो जाएगा, अब इमेज भी बड़ा हो जाएगा, यहां पर इन्वर्टेड तो बनेगा ही, रियल भी बनेगा, लेकिन यहां पर इमेज लार्जर हो जाएगा, यानी कि मैग्निफिकेशन वन से ग्रेटर हो जाएगी। अब मैं ऑब्जेक्ट को खिसकाकर एफ के ऊपर ले आता हूं, तो यू इक्वल टू फोकल लेंथ कर दिया, तो इमेज इस केस में इन्फिनिटी पर बनता है, लेकिन बनता कौन सा ही है, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और लार्जर बनेगा, लार्जर। लास्ट केस आ गया इसका, लास्ट स्पेशल केस, अगर ये ऑब्जेक्ट एफ से भी आगे चला जाए, ऑब्जेक्ट एफ से भी आगे चला जाए,
तो एक स्पेशल केस का टेबल बनता है, वो मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये वाला जरा देखना बेटे ध्यान से। ये देखो बेटे, एक स्पेशल केस, सबसे स्पेशल केस ये होता है कन्वेक्स लेंस का, ध्यान से देख लेना। शाबाश। अगर मेरा ये लेंस पड़ा ऑप्टिकल सेंट और कन्वेक्स लेंस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां पर एफ है दोनों तरफ, ध्यान से देखो टीचर क्या कह रहा है कि मैंने ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से भी कम दूरी पर रखना है, ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से भी कम दूरी पर। ये तभी मुमकिन है कि जब वो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रख दे। ये रख दिया लो, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू। इसका मतलब यू इज लेस देन एफ, फोकल लेंथ से भी छोटा। तब देखना क्या होएगा, योर अटेंशन। रूल वही रहेंगे, रूल प्रिंसिपल रे डायग्राम बनाने के, वही जो पैरेलल रे ऑफ लाइट गई वो कहां से गुजरेगी बच्चे, फोकस। फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर में से गई वो कहां से गुजरेगी, सीधी। गॉट इट? तो आप कहोगे सर ये तो कहीं मिलेगी नहीं। बिल्कुल सही, ये कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन यहां पर जो खड़ा हुआ बच्चा है या यहाँ खड़ा हुआ बच्चा है, उसको तो लगेगा लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। तो वो बच्चा सोचेगा कि स्ट्रेट लाइन से कहीं आ रही है, तो उसको ये लाइनें ये बैकवर्ड एक्सटेंड करनी पड़ेंगी। जहां पर वो बैकवर्ड डॉटेड एक्सटेंड करेगा, ये देखो यहां कट करी, जहां कट करी वहां इमेज बनेगा बेटे, इतना बड़ा इमेज जहां पर ये लेंस कट करी। और क्योंकि ये एक्सटेंडेड लाइन से बनी है, इसलिए ये इमेजिनरी इमेज बनेगा। और देखो टिप का ऊपर, ये टिप ऊपर है ऑब्जेक्ट की, तो इमेज की भी ऊपर आई, इरेक्ट बना। ये अकेला केस है जब हमारा इमेज कन्वेक्स लेंस में रियल नहीं बनता, बल्कि वर्चुअल बनता है। वर्चुअल और क्या बनता है, इरेक्ट, और क्या बनता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। और एक साथ चीज देखो, बाकी सारे केसेस में ऑब्जेक्ट इधर रखने से इमेज इस तरफ बनता था, लेंस के दूसरी तरफ, यहां पर जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बन गया। तो इमेज ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अकेला केस है जिसमें इमेज को हम देख तो सकते हैं लेकिन हाथ नहीं लगा सकते, इसीलिए ये वर्चुअल है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके लिए, बना लो फटाफट। बना लिया? सर चलो प्लीज वेस्ट 2 मिनट्स। ओके बेटे। फार्मूले कौन कौन से बताए टीचर, एक बार फिर से लिख देता है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं मेरे अभी, प्यारे प्यारे। एक तो टीचर ने यह बताया, फोकल पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। एक कौन सा बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। एक कौन सा बताया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज। ये बताया आपको, स्मॉलर की जगह पर हम एक और वर्ड लगा सकते हैं, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड स्मॉलर भी ठीक है। तो इस तरह, लार्जर की जगह मैग्नीफाइड। हाँ, लार्जर की जगह मैग्निफाइड भी लगा सकते हैं। तो मैंने जानबूझ के सिंपल शब्द रखे हैं ताकि छोटे बच्चों को समझ आ जाए। तो हमारे पास बेटे ये हमने क्या देखा, हमारे पास
रे डायग्राम के बाद ये चार्ट बन चुका है। अब हम असाइनमेंट देखते हैं एक बार। शाबाश, ओपन योर असाइनमेंट। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास? जब कोई बुजुर्ग लोग ऐसे अखबार पढ़ते हैं लेंस की मदद से, तो उनका क्या मकसद होता है बेटे? बोलो। द डी ऑप्शन डी ऑप्शन विल बी द व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल सही। उनका एक ही मकसद होता है कि वो बुजुर्ग लोग और अल्फाबेट्स को बड़े करके पढ़ सके, इसीलिए इसका ऑप्शन बना, टू एनलार्ज एंड एनहेंस द व्यू ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन सही है। कोई बच्चा मेरे से पूछ सकता है, सर उनको बड़ा कैसे दिखता है? ये देखो लास्ट वाला केस, ये देखो, जब मैं ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है कागज जिसके ऊपर प्रिंटिंग है, मैं लेंस के इसको इसके इतना नजदीक ले जाऊंगा कि यू इज लेस देन एफ, तो इमेज क्या बन गया था? वर्चुअल एंड लार्जर। सीधा भी तो रखना है ना, हम ऐसा तो दिखता नहीं है, वो बंदा ऐसा तो कभी चाहेगा नहीं कि लार्जर तो दिखे लेकिन उल्टा दिखे ऐसे अखबार लेंस में से, उसको सीधा भी दिखना चाहिए इरेक्ट। और अब गौर से देखो, इरेक्ट कहां पर है? सिर्फ लास्ट वाले केस, यहीं पर इमेज सीधा बनता है इरेक्ट, बाकियों में तो सभी में इन्वर्टेड बनता है। इज दैट क्लियर? यस और नो? सेकेंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लेंस इज कॉमनली यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास? शाबाश बेटे, ये तो हमने अब साथ की साथ कर ही लिया। मैग्नीफाइंग ग्लास इज ऑलवेज कॉन्वेक्स। ओके, ऐसे होता है लेंस, अगर देखा हो आपने, एक हैंडल सा लगा होता है, प्लास्टिक का फ्रेम होता है, बीच में कॉन्वेक्स लेंस होता है, देखा बेटे? यस क्वेश्चन नंबर थ्री, द मेन फैक्टर दैट डिटरमिन्स द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नीफाइंग लेंस इज? बिल्कुल सही, ये फोकल लेंथ है ना, वो स्मॉल एम को डिसाइड करती है, फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन को डिसाइड करती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन हुआ सी। एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हो गए हमारे। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। ए मैग्नीफाइंग लेंस विद ए शॉर्टर फोकल लेंथ विल टिपिकली प्रोवाइड? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक बार मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से देखो, टीचर ने अभी अभी एक फार्मूला बताया था कि वन अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू पावर। अगर फोकल लेंथ कम होगी तो लेंस की पावर बढ़ जाएगी, और जो लेंस की पावर बढ़ जाएगी वो छोटे अक्षरों को काफी बड़ा करके दिखा देगा, इसीलिए उसकी भी बैक पे रीजन पता आपको होना चाहिए। मैग्नीफाइंग लेंस विद द शॉर्टर लेंथ डिनोमिनेटर रिड्यूस करेगा तो पावर बढ़ेगी, पावर बढ़े का मतलब हायर मैग्निफिकेशन हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर का ए ऑप्शन सही, राइट? क्वेश्चन नंबर फाइव, शाबाश, मैं चाहता हूं सेवंथ ए में से हर्षवीर पढ़े इसको, सेवंथ ए में से हर्षवीर, प्लीज कम ऑन द माइक। When you hold a magnifying lens close to your eye and closer to the object being observed, what happens to the field of view? बैठो, जब आप एक लेंस को अपनी आंख के नजदीक रख दोगे, ठीक है, तो क्या होएगा? व्हाट विल बी? देखो बेटे, अगर मैं ध्यान से देखो, आप देखो ध्यान से देखो, मेरे पास ये अखबार है और मैं मान लो बुजुर्ग हूं 80 साल का, और मेरे पास लेंस है, तो मैं लेंस को आंख के पास लेकर आऊंगा, ऐसे लेंस को आंख के पास लेकर आऊंगा, तो क्या बन जाएगा? ज्यादा बड़ा अखबार दिखेगा, यस के नहीं? बोलो। लेंस के थ्रू ज्यादा बड़ा अखबार दिखेगा, मतलब मेरा जो व्यू का एरिया है दैट बिकम्स लार्जर, इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर फाइव का ए पोर्शन ठीक है,
तो इसमें जो एक ये लैंग्वेज लिखी हुई है ना, एंड क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड, लिखी है ना एक लाइन, इसको काट दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है या तो आंख के नजदीक रखा जा सकता है या ऑब्जेक्ट उसके, इज दैट क्लियर? सिर्फ आंख के नजदीक रखने से बड़ा अखबार नहीं दिखेगा, तो वो वाली बात। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमारे पास एक टेबल दे रखा है जिसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रखा है, फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। कहता है कि इमेज कहाँ कहाँ पर बनेगा और उसकी नेचर, ये टेबल हमें मदद करेगा। देखो एक्चुअली में उसने क्या कर दिया, देखो 6th क्वेश्चन में बेटे फोकल लेंथ को उसने 30 सेंटीमीटर कर दिया, तो नेचुरली रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा बता सकते हो? 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर तो डबल होता है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना बेटे, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, इसलिए डबल हो गया 30 का। अब वो कहता है कि अगर 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो क्या होगा, 50 सेंटीमीटर मतलब इन दोनों के बीच में रखा उसने, तो इन दोनों के बीच में ये पड़ा हमारा, देखो ये देखो इस केस में बात कर रहा है, जब यू 30 से तो ज्यादा हो लेकिन 60 से कम हो, ये वाला केस कर रहा है। ओके फिर वो कहता है इमेज क्या होएगा, इमेज इज स्मॉलर और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, हम इससे देख लेते हैं लार्जर। लार्जर ओके फिर क्या कहते हैं, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज इन्वर्टेड, रियल बनेगा, यस। यहां से देख के इससे देख के सारा आंसर आ गया, यस और नो? यस देखो एक बार हमने उसकी लैंग्वेज को ध्यान से देखना है, अपने टेबल से मिलाना और आंसर बता देना है। फिर वो कहता है 30 सेंटीमीटर पे रख दिया, 30 पे, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ये कर दिया, देखो उसने ये वाला केस, स्प्रिंग वाला केस, यू इज इक्वल टू एफ, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू बोलते हैं, फोकल लेंथ के बराबर ही कर दिया उसने। उसके बाद पूछते हैं इमेज कैसा बनेगा, ये पढ़ा सब लिखा है टीचर ने, इन्वर्ट लार्ज रियल लार्जर रियल सब कुछ, तो ये चार्ट याद कर लोगे आप, सर इससे कोई भी आंसर दे सकते हो आप। फिर उसने 20 सेंटीमीटर कर दिया, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ से भी छोटा कर दिया, क्योंकि फोकल लेंथ 30 दिया है और यू को वो बोल रहा है 20, ये वाला 20 छोटा कर दिया, लास्ट वाला केस बन गया, आ गया वो जो टीचर ने यार ये डायग्राम बना के दिखाया था आपको। तो इस केस में आप वर्चुअल लिखोगे, यस कि नो, यस और इरेक्ट लिख दोगे, इरेक्ट लिख दोगे, वर्चुअल लिख दोगे, इरेक्ट लिख दोगे। ओके बेटे सर ऐसा ही चार्ट कॉनकेव लेंस के लिए भी होता है, कॉनकेव लेंस के लिए भी, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कॉनकेव लेंस के ऊपर है, तो कॉनकेव लेंस का हम पहले बेसिक बना लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं तो कोई भी। 6th है उसका भी सर यही आएगा लार्जर रेक्टर वर्चुअल जो 6th का लास्ट वाला है ना 5 सेंटीमीटर, वो भी इसी में आ गया, वो भी ठीक है, इसीलिए मैं बताया नहीं उसका, वो लास्ट वाला केस ही बनेगा 5 सेंट। आई एम इरेजिंग द होल वर्ड बोर्ड नाउ, अब हमारे पास धीरज सर क्या कराएंगे, अब मैं कराने लगा हूं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की शक्ल याद है, जो बच्चे एब्सेंट होंगे उनको मैं बता दूं कि कॉनकेव लेंस सेंटर से पतला होता है और साइडों से मोटा होता है। इसमें हम क्या बनाना चाहते हैं बेटे, इसमें हम बनाना चाहते हैं कि सर ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, यू की वैल्यू क्या होएगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वी की वैल्यू क्या होएगी, इमेज कहां बनेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा इमेज के करेक्टर्स क्या होएंगे, नेचर क्या होएगी, ये चीज हमें बताओ सर। तो बेटे करते हैं इधर बनाते हैं, आपको इतना तो पता ही है कि रूल्स क्या होते हैं रे डायग्राम में,
कोई बच्चा मेरे रिपीट करेगा, मैं उसकी फ्रंट लाइन बोलूंगा, आपने सेकंड पार्ट बोलना है। देखते हैं आपको तीनों रूल याद है कि नहीं याद। इफ ए रे ऑफ लाइट इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द लेंस इट पासिस थ्रू, सेकंड रूल, सेकंड रूल शाबाश। इफ ए रे ऑफ लाइट बिफोर हिटिंग टू द लेंस पासिस थ्रू द फोकस एंड आफ्टर द लेंस इट बिकम पैरेलल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पूरा बोलना है बच्चे। तीसरा पॉइंट, इफ ए रे ऑफ लाइट पासिस डायरेक्टली टू द ऑप्टिकल सेंटर इट 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 गोज स्ट्रेट, इट रिमेन्स अनडेविएटेड, इट रिमेन्स अनडेविएटेड, या दूसरे शब्दों में बोलोगे इट कीप्स इट्स डायरेक्शन इंटैक्ट, और तीसरे शब्दों में बोलोगे इट कीप ऑन मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। कुछ भी बोल दो इसमें से। अब देखो बच्चे ध्यान से, शाबाश। टीचर बनाने लगा है इधर। ये टीचर ने बेटे कॉनकेव लेंस बनाया। जो बच्चा एक एक डायग्राम अच्छी तरह समझ लेगा वो सारी बना देगा लगभग। ऑप्टिकल सेंटर में से टीचर ने कौन सी लाइन निकाली है, इसका नाम बताओगे? प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत अच्छे। और यहां से पहले माप के निशान लगाने, इधर उतना ही उधर बेटे। कौन कौन से ये निशान होते हैं दोनों? फोकस एक्सिस और फोकस तक के डिस्टेंस को क्या मेंशन करना चाहिए टीचर को? फोकस। फोकल लेंथ स्मॉल एफ इधर लिखेंगे और स्मॉल एफ ही इधर लिखेंगे, और फोकल लेंथ के बाद डबल डिस्टेंस पे कौन सा निशान लगाऊं? ये लगाना है सी बेटे, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स। और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर भी शो कर दो। देखो ये डायग्राम को हमने, ये फिगर सारे इधर बना दिए, ठीक है बेटे? अब गौर से देखना, ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम, किसी भी एक जगह पे रख के देख लेते हैं। चलो ऐसे करते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, जिसको हम यू लिखते हैं, यू, वो यू देखो एफ से तो बड़ा है लेकिन ये यू आर से छोटा है। अगर टेबल चार्ट में मैं बनाना चाहूंगा तो आप कहोगे सर ये जो यू है ना आपका, आप बोलोगे सर ये जो आपका यू है ना, ये आपका एफ से तो बड़ा है और आर से छोटा है, तो देखते हैं क्या बनता है। शाबाश। सभी बच्चे अब ध्यान रखेंगे ग्रीन लाइन के ऊपर। ये ग्रीन लाइन गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर। कहां से गुजारूं ऑप्टिकल सेंटर के बाद? बोलो। फोकस फोकस में से स्ट्रेट लाइन रखनी है, और जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर में से गुजारूं रेड कलर वाली, वो कहां से गुजरेगी? सर सर ये कहां मुड़े? स्ट्रेट। नहीं ओके स्ट्रेट जी सर लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन यहां चलेगी, जहां पर ये दोनों लाइनें कट करेंगी वहां पर क्या बना दूं? हाँ एक्सक्यूज मी सर बेटे बोलो। सर दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस हाँ डाइवर्जिंग लेंस। ओहो ओहो गड़बड़ हो गया भाई, दोबारा से देखना होगा। ये तो सॉरी कन्वेक्स लेंस हो गया बच्चे, इसका रे डायग्राम। श्योर राइट, योर राइट। ये वाली लाइन को हमें डाइवर्जिंग बनानी है बेटे, ये वाली लाइन थोड़ी गलत हो गई है। शाबाश। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी राइट। तो ये वाली लाइन डाइवर्ज करनी है हमने, तो जब डाइवर्ज लाइन करनी है तो एफ से जाती हुई लगेगी ये, है ना, एफ से। ये लो, तो ऐसे गई तो लगेगा ऐसे कि एफ से गई। जो मैंने पहले लाइन बनाई थी ना वो तब क्लियर था बेटे, अगर वो कन्वेक्स लेंस होता।
दिस चाइल्ड इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बहुत अच्छे। अब ये कन्वर्जिंग तो डॉटेड लाइन एफ में से गुजरी, तो जहां पर ये लाइन आपस में दोनों कट करेगी ना, ग्रीन और या रेड वाली, वहां पर इमेज बनेगा। ये इमेज कोई बच्चा बताएगा, ये इमेज रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा? सर वर्चुअल क्यों वर्चुअल बनेगा पता है? क्योंकि ये लाइन डॉटेड करनी पड़ी। एक बच्चा कहता सर डॉटेड क्यों करनी पड़ी, तब उसको बताएंगे बेटे असली में तो लाइट ऑब्जेक्ट से चली थी ना, असली में तो लाइट आपकी ये गई थी ऑब्जेक्ट से ए ऐसे, उसके बाद ये इस रास्ते को फॉलो कर गई। तो लेकिन यहां पर जो उसको लगेगा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन इधर से आ रही और ये वाली असली लाइट। तो आपने देखा एक रियल और एक डॉटेड कर जा रहे, तो रियल लाइन और डॉटेड लाइन जहां से आपस में कट हो वहां पर वर्चुअल इमेज बनता है, ये वर्चुअल। तो वर्चुअल बना बच्चे, और स्मॉलर साइज का बना छोटा, ठीक है। और एक चीज और देखो ध्यान से, ये कितनी दूरी पर बना है, ये तो इतनी कम दूरी है कि फोकल लेंथ से भी छोटा हो गया। देखो वी जो है ना, वी इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, ये तो फोकल लेंथ से भी छोटा हो गया। तो आप कहोगे वी लेस देन, ओके। यस सर इस तरह से आपने बनाना है, और मैं आपको बताने की कोशिश बताना चाहूंगा इसमें खास, कि आप इसमें ऑब्जेक्ट इमेज को कहीं भी खिसकाते रहो, ऑब्जेक्ट को कहीं भी खिसकाते रहो तो इमेज आपका छोटा ही बनेगा, ठीक है। कहीं भी, कहीं अगर भी कोई बच्चा कहता सर मेरे को यकीन नहीं है भी, आप तो कह रहे हो कहीं भी खिसका दो, तो कहीं और रख के दिखाओ ऑब्जेक्ट। तो मैं कहीं और रख के दिखा देता हूँ ऑब्जेक्ट, एक डायग्राम और बना लेते हैं बस। ये लो मैंने इरेज कर दिया, कोई अलग जगह पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम, ठीक है। ये लो मैंने ये लेंस बनाया, ये बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद बराबर ये ऑप्टिकल सेंटर, और बराबर की दूरी पर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, एफ लग गए। देखो एफ लग गए, उसका डबल कर दो बच्चे, सी हो गया, एफ हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। पहले हमने यहां दोनों के बीच में रखा था, अब हम क्या करते हैं इधर रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसका मतलब आपका जो यू है तो वो तो आर से भी बड़ा हो गया, सेंटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आर से भी बड़ा हो गया। बिल्कुल सही, इस केस में मैंने यू को आर से भी बड़ा रख लिया, ओके। तो एक केस देख लेते हैं बेटे, तो फिर ये देखो ये रे डायग्राम ऐसे गई, फोकस में से जाती हुई लगेगी, ये लो फोकस सर, जी। सर हमने सर जब हम पेपर में रे डायग्राम बनाने हैं सर, हमने भी आर और यू मेंशन करने हैं। आपको 7th क्लास में रे डायग्राम शायद, देखो ये तो समझाने के लिए जरूरी है चीजें, जब आपने इसको आंसर करना है तो रफ वर्क में प्रैक्टिस कर लोगे आप पेपर में। असली में आपको ऐसे बोले कि रे डायग्राम बनाओ ये नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपकी क्लास छोटी है, हायर क्लासेस में आएगा, ठीक है। पर जब तक आपको ये थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है तो इधर वाला जवाब कैसे दोगे आप, ठीक है। ये इसलिए इसलिए थोड़ा सा जरूरी। तो ये देखो एफ में से गया और ऑप्टिकल सेंटर में से आज, देखो यहां पर मिल गई दोनों लाइनें, फिर से छोटा इमेज बना, ठीक है। तो इमेज साइज इस केस में कॉनकेव लेंस में स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ओके। और सारे के सारे में इमेज उल्टा ऊपर को बना, तो इसका मतलब 7th क्वेश्चन आप कर लोगे। लेट्स मूव टू दी 8th क्वेश्चन में इसने सीरियल नंबर गलत लिख दिया ना, 8th क्वेश्चन को 14 कह रहा है। चलो यू हैव बीन प्रोवाइडेड ए कॉनकेव, सर हाँ जी सर इस केस में भी सर जो वी है वो एफ से स्मॉलर होगा। हाँ जी हाँ जी। देखो आप बेटे इमेज यहां बन गया तो ये छोटा सा ही तो बना, ई वी बना के नहीं वी, यस
तो बस ऐसा ही बनेगा, यही सेम। ठीक है, ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। अब मिरर्स पे आ गए हैं, ये आप फटाफट कर सकते हो। यू आर प्रोवाइडेड ए कनकेव मिरर, ए कन्वेक्स मिरर, ए कनकेव मिरर, ए कन्वेक्स लेंस, चारों चीजें दे दी। टू ऑब्टेन द एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन यूटिलाइज ठीक है, लार्जर इमेज, क्या क्या यूज कर सकते हो बेटे? लार्जर इमेज में ये बी ना, बी ऑप्शन में देखो, कॉनकेव मिरर कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी कर सकते हैं। हाँ, बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, शाबाश। यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, यू कैन गेट एन इन्वर्टेड इमेज। उल्टा इमेज किससे दिखेगा? उल्टा इमेज बोलो बेटे, कॉन्वेक्स ए ऑप्शन लेंस से तो उल्टा इमेज बनता ही था। बिल्कुल सही, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, ए रेनबो कैन बी सीन इन द स्काई कब? ध्यान से देखना, रेनबो तब दिखाई देता है इस बच्चे को ऑप्शन जब सन उसकी बैक साइड पे हो, सन बैक साइड में हो और हवा में बूंदे लटकी हो पानी की बारिश के बाद, और सामने आसमान उसको दिखता हो, पेड़ वगैरह ना दिखते हो, ऐसे उसको रास्ता ना हो, तब उसको रेनबो दिखता है। ओके, तो इसका मतलब है, तो हाँ जी, 15th क्वेश्चन का ए ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। 15th में ए क्या? बहुत कॉनकेव मिरर, 15th में ए क्या लिखा हमने? यू आर प्रोवाइडेड द कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अपने इन्वर्टेड इमेज लेना बेटे। नहीं सी ऑप्शन आएगा। नहीं सी क्यों आएगा? कितनी बार हमने कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स लेंस में उल्टा इमेज बना नहीं था इसमें? ऐसे बना था तो, उसके बाद कॉनकेव। अच्छा, कॉनकेव इसमें कॉनकेव लेंस भी आ गया गलती से, गलती से कौन के, हाँ सी ऑप्शन है बेटे, सी ऑप्शन, हाँ सी है इसका। और एक मिरर है ना, क्योंकि ऑप्शन, अच्छा लिखा तो मैंने सही था, सही था, ऑप्शन गलत हो गया। रेनबो में क्या है? सन शुड बी बैक साइड ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का फेस इधर को होना चाहिए, उसकी बैक साइड पे होना चाहिए ये सन। 17th क्वेश्चन, ए इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लेंस इज इरेक्ट, सच इमेज कैन बी बाय, सीधा इमेज किससे बनेगा? इरेक्ट इमेज, अभी अभी हमने क्या देखा था? इरेक्ट इमेज हमारा कॉनकेव लेंस से बना था, कॉनकेव लेंस से। बी ओके, तो ऑप्शन सी ऑप्शन हो गया हमारा, सी ऑप्शन हो गया बेटे। क्वेश्चन नंबर 18, बी ऑप्शन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लेंस इन द ह्यूमन आई? हाँ एक्सक्यूज मी सर, जी, सेवेंटीन की बी ऑप्शन 17th नहीं है, सर में, बी ऑप्शन आएगी। 17th में क्यों, यस क्या कह रहा है वो? इमेज इज इरेक्ट सच एन इमेज कुड बी फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड में स्मॉलर इमेज भी बनेगा और कंकेव लेंस, हाँ इसमें लार्जर लिखा हुआ है, छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है कॉनकेव लेंस के अंदर। अगर ये हमारा कॉनकेव लेंस था ऐसा, उसमें छोटा भी बनेगा और इरेक्ट भी बनेगा, स्मॉलर और इरेक्ट, बी। क्वेश्चन नंबर 18 बेटे, क्वेश्चन नंबर 18 में कॉन्वेक्स लेंस होता है आंख में, आई लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स, उसका क्या होता है? आंख से बाहर आ रही जो लाइट आ रही होती है उसको फोकस करके, आंख के रेटिना के ऊपर फोकस करना, ये जो आंख के अंदर स्क्रीन होती है इसको रेटिना बोलते हैं, रेटिना। जीरो का सी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ लेंस द आई हेल्प्स टू चेंज दी फोकल लेंथ एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स? लेंस होता ही कौन सा है? कॉन्वेक्स। 18,
नाइनटीन्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो गया, नाइनटीन्थ का क्वेश्चन नंबर 20। विच पार्ट ऑफ द आई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द लाइट एंटरिंग इनटू द आई इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन है रेटिना, सी ऑप्शन। अटेंशन, ये रेटिना जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मैसेज भेज देता है ब्रेन को, ब्रेन को बेटे। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नेम व्हाइल लाइट पासिस थ्रू क्या कितने सेवन कलर। सेकेंड क्वेश्चन, विच कलर इज ऑन द टॉप ऑफ द रेनबो? नीचे से स्पेलिंग बनाने हैं वायलेट से आते हुए रेड तक, रेड और रेड। थर्ड क्वेश्चन, विच बॉटम, बॉटम पे कौन सा आएगा? वायलेट। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर इज द ग्रीन कलर? ग्रीन कलर VIBGYOR। देखो तीन इधर से छोड़ दो, तीन इधर से, सेंट्रल कलर। द आर्क ऑफ द सेवन कलर सीन इन द स्काई इज कॉल्ड रेनबो। शाबाश रेनबो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर आपने सर एक क्वेश्चन छोड़ दिया सर, सेकंड क्वेश्चन में नेम ऑफ द कलर सर। नेम ऑफ द कलर्स आर, बोलो, विबग्योर। ये विबग्योर नाम बता सकते हो सारे? सर यस। बोलो सारे। यस। वायलेट इंडिगो ग्रीन, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज। बेटे जिसमें मैं जिसमें फिंगर रखूंगा वो बोलो। वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज। शाबाश, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे बेटे। प्रिज्म प्राइमरीली नोन एज, प्रिज्म का मेन काम क्या होता है? स्प्लिटिंग लाइट इनटू कंसिस्टेंट कलर्स। हाँ जी बेटे। व्हाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म पे थ्रो करते हैं तो वो उसको सेवन कलर्स में स्प्लिट करता है, इस प्रोसेस का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 23। 22 की कौन सी ऑप्शन आएगी? 22 की बी ऑप्शन बेटे, लिखा तो हुआ। क्वेश्चन 23, व्हेन द व्हाइट लाइट पासिस थ्रू द प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, द फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन। 23 का बी। क्वेश्चन 24, इन द ट्रायंगुलर प्रिज्म द लाइट इज रिफ्रेक्टेड एज इट एंटर्स एंड एग्जिस्ट द प्रिज्म टू, बोलो। डिफरेंसेस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म। बिल्कुल सही, रिफ्रैक्शन की वजह से। और रिफ्रैक्शन का अगर कोई पूछ ले व्हाई रिफ्रैक्शन होती ही क्यों है, तो आपने बोलना है कि लाइट जो होती है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट वेलोसिटीज रखती है, लाइट वेलोसिटीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, कांच में कुछ और, पानी में कुछ और हवा में कुछ और, लाइट वेलोसिटीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। अजर्शन रीजन पे आ जाओ फटाफट, अजर्शन कुछ, अजर्शन वन का अजर्शन सही है कि नहीं, रीजन सही है कि नहीं? अजर्शन, इट इज नॉट पॉसिबल टू फोटोग्राफ ए वर्चुअल इमेज। फॉल्स। अरे क्यों बच्चे, वर्चुअल
वर्चुअल इमेज को फोटोग्राफ का मतलब ये, योर अटेंशन, फोटोग्राफ का मतलब ये नहीं है कि आपने कैमरे से फोटो खींच लिया मिरर में दिख रही है। फोटोग्राफ का मतलब है उसको आपने डेवलप कर लिया नेगेटिव के ऊपर, जैसे आपके घरों में एल्बम में लगी हुई हैं फोटोज, ठीक है, वैसे नहीं बना सकते इसको। फॉल्स रीजन, एंड इमेज इज सेड टू बी वर्चुअल इफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग इन नेचर। बोलो यस के नो, क्यों? कॉनकेव लेंस में अभी अभी तो पढ़ा हमने, डाइवर्जिंग वाले में इन्वर्टेड में वर्चुअल बनता था। सेकंड क्वेश्चन टाइम इज ओवर, बोल बेटे, अच्छा चलो इसको असर्शन रीजन आप खुद कर लोगे, फिर कितना बचा टाइम बेटे, 1 मिनट और मिल सकता है। दो। अरे सर फर्स्ट का असर्शन ट्रू है या फॉल्स? बेटे अजर्शन का फॉल्स आ गया ना, क्या? अच्छा नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अजर्शन, द ऑर्डर ऑफ द कलर्स इन द रेनबो इन इज ऑलवेज रेड एट द टॉप एंड वायलेट एट द बॉटम। गलत। हाँ रेनबो ऑलवेज कह रहा है ऑल, नहीं ठीक है ठीक है, रेनबो रेनबो में तो सबसे ऊपर कौन सा होएगा? रेड कलर, रेड। ठीक है। रीजन, द रेनबो इज फॉर्मड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द रेन ड्रॉप्स। थर्ड क्वेश्चन, अ कंकेव लेंस इज डाइवर्जिंग। ऑप्शन कौन सी है? रीजन, कंकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स द वर्चुअल इमेज। ट्रू। क्वेश्चन नंबर फोर, अदर्शन, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। इज इट ए प्लेन मिरर? यस। रीजन, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म द रियल एंड इरेक्ट इमेज। फॉल्स क्योंकि प्लेन मिरर में तो वर्चुअल बनता है। लास्ट फिफ्थ बच्चे, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ग्लास प्रिज्म स्प्लिट्स द सनलाइट इंटू 7 कलर्स। ट्रू। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन ऑप्शंस कौन सी गानी है? बेटे, इसको ऐसे ही लिखना है, ऑप्शंस नहीं है, इसको रीजन को करेक्ट रॉन्ग ही लिखना है बस। ओके ठीक है, नहीं तो वो जो ऊपर पैराग्राफ दिया होता है ना कि ए बी सी डी कौन सा लगाना है, तो सभी बच्चों को एक क्वेश्चन सिर्फ छोड़ा है, वो अपने घर से करना है होमवर्क कॉम्प्रिहेंशन वाला। आज का क्लास वाइंड अप करते हैं बेटे, थैंक यू टू द टीचर। समझ आया आज? दोनों अरे हाथ वेव करो जिनको समझ आया, रेज वेव योर बोथ हैंड्स। ओके बेटे, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, और आपने लास्ट क्वेश्चन करके आना।